तो दोस्तों, अगर आप भी अपने SBI का जो ATM कार्ड है आपके पास, उसका पिन आप चेंज करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, यानी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप अपना ATM पिन बदलना चाहते हैं, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आप सबसे पहले योनो SBI एप्लीकेशन आप ओपन कर लेंगे। योनो SBI एप्लीकेशन ओपन करने के बाद योनो SBI का जो डैशबोर्ड है इस तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ पर जो भी आपने MPIN सेट कर रखा है वो MPIN आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे, यानी जो भी आपने MPIN बनाया हुआ है वो MPIN आप यहाँ पर इंटर करके आप इसमें लॉगिन कर लेंगे, या अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है आसानी से उसके ज़रिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं योनो SBI एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद डैशबोर्ड जो है योनो SBI का इस तरीके से आपके सामने भी दिखाई देगा। तो अपना ATM का पिन आपको चेंज करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। तो जो सबसे टॉप में ऑप्शन दिख रहा है माय डेबिट कार्ड, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका डिटेल्स होगा आपके सामने इस तरीके से आपका कार्ड शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे देख सकते हैं ऑप्शन आपको बहुत सारा दिया गया है, तो यहाँ पर सेट और रीसेट ATM पिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पर सेट रीसेट ATM पिन, आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपके सामने दिख जाएगा, यानी जो भी आपका ATM कार्ड का नंबर होगा उसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर शो होगा, और नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है इंटर न्यू पिन, और नीचे उसके नीचे ऑप्शन दिख रहा है कंफर्म न्यू पिन। तो यहाँ पर जो भी आप ATM का पिन रखना चाहते हैं वो पिन आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके नीचे आपको कंफर्म न्यू पिन में वही पिन जो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर से नीचे वाले बॉक्स में भी आप उसी पिन को दोबारा इंटर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों जगह अपना सेम पिन इंटर कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे अगला इंटरफेस इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, यानी आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। देख सकते हैं मेरा OTP यहाँ पर आ चुका है, आपको OTP आपके रजिस्टर नंबर पे मिल जाएगा। आप यहाँ पर OTP देख लेंगे और यहाँ पर अपना OTP इंटर कर लेंगे। इस तरीके से आप अपना OTP यहाँ पर डाल लेंगे। अगर OTP नहीं आता है तो यहाँ पर रिसेंट OTP का भी ऑप्शन दिया गया, आप इस पर क्लिक करके अपना OTP को दोबारा फिर से आप मंगा सकते हैं। OTP इंटर कर लेने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो इस तरीके से सक्सेसफुली का एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ पर हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेट, और आपको मैसेज के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपने जो ATM का पिन है आपने अपडेट कर लिया है, यानी अपना नया ATM का पिन आपने बना लिया है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था। इस तरीके से अगर आप अपने SBI के ATM का पिन चेंज करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, तो इस तरीके से आप अपने ATM का पिन बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।